वो कहते हैं ना, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। रूस ने नहीं बल्कि भारत का रास्ता तालिबान के लिए चीन ने रोका था, हुआ बड़ा खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में भारत और अमेरिका से भिड़ने के लिए उतरी चीनी नौसेना, और चीन नहीं रोक पाया भारतीय ब्रह्मोस को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अभी बड़ा चर्चे में आया था ट्रायो का मीटिंग। ये मीटिंग थी रूस, चीन और अमेरिका के बीच तालिबान को लेकर, तालिबान को भी बुलाया गया। वैसे इस मीटिंग को बढ़ाने की बात थी, जिसकी वजह से ट्रायो का प्लस की घोषणा की गई थी, और कहा गया था कि इसमें ईरान को भी शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा और भारत को भी शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को तो शामिल किया गया, पर न तो ईरान को शामिल किया गया और न ही भारत को शामिल किया गया। जैसे ही ये खबरें उड़ी, सबसे पहले रूस पर गई और लोग ये कहने लगे कि रूस और भारत के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हालात बना, तब भी यही बातें होने लगी कि लगता है जैसे रूस और चीन के बीच सब कुछ सही नहीं है, हालात इसीलिए बिगड़ रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तभी तो रूस ने मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया। पर अब सच्चाई निकल कर आई कि रास्ता रूस नहीं रोक रहा है, बल्कि भारत का रास्ता चीन ने रोका है। अब चीन ने जो तर्क दिए हैं भारत के रास्ते को रोकने के लिए, वो भी बड़ा ही अलग है। कहा जा रहा है कि रूस को इस मीटिंग से कोई आपत्ति नहीं थी कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाए और ईरान को भी शामिल किया जाए। ईरान के लिए अमेरिका सहमत नहीं था, जिसकी वजह से ईरान को इस मीटिंग से दूर रखा गया। तो वहीं चीन और पाकिस्तान, ये दोनों सहमत नहीं थे भारत की एंट्री को लेकर, जिसकी वजह से भारत को अलग रखा गया। चीन और पाकिस्तान का ये कहना है कि चूंकि हाल ही में यूएनएससी में भारत ने तालिबान के खिलाफ बोल दिया है, भारत ने ये कह दिया है कि तालिबान अगर सत्ता में आता है तो भारत उसको मान्यता नहीं देगा, इसलिए तालिबान से रिश्ते भारत के और खराब हो गए हैं, उनको बुलाना ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन और पाकिस्तान चाहते ही नहीं है कि इस मसले में भारत आए, क्योंकि अगर यहाँ कोई राजनीतिक समाधान निकलता है और भागीदारी की बात उठती है, तो जाहिर तौर पर चीन और पाकिस्तान ये चाहेंगे कि तालिबान का हिस्सा ज्यादा हो, तालिबान को मजबूती मिले, अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ हो, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। जबकि अगर भारत होगा तो भारत ये चाहेगा कि अशरफ गनी सरकार को ज्यादा पावर मिले और अशरफ गनी सरकार अपर हैंड पर रहे। तो खैर, अब ये क्लियर हो ही गया कि इसमें रूस नहीं बल्कि चीन है जो रुकावट डाल रहा है। पर फिर भी प्रश्न ये उठ रहा है कि इस पूरी मीटिंग का आइडिया रूस लेकर आया था, रूस ने इस मीटिंग को प्रपोज करा, फिर क्या रूस के पास कोई ताकत नहीं बच गई जो उसने चीन की बात को मानना ही सही समझा। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में मच गया है घमासान। अभी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका उतरा हुआ है, अमेरिका जापान मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और बड़ी बात ये है कि 1981 के बाद अमेरिका पहली बार अपने उभयचर हथियारों को लेकर पहुंचा है, यानी कि जो जमीन में भी चले और पानी में भी चले। अभी पिछली खबर में ही हमने जाना कि जापान पूरी तैयारी कर चुका है ताइवान की रक्षा के लिए, यहाँ तक कि मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है, और अब अमेरिका अपनी बड़ी सी नौसेना लेकर साथ में ऐसे उभयचर हथियारों को लेकर पहुंचा है जो अमेरिका ने सालों से इस्तेमाल नहीं किए थे, और भारत भी अब यहाँ पर पहुंचने वाला है, और करीब 2 महीने के लिए भारत अपनी नौसेना को यहाँ खड़ा रखेगा, जिसकी वजह से पहले से ही ये लग रहा था कि यहाँ का माहौल उथल पुथल होगा। अब चीन क्या एक्शन लेता है ये भी देखने वाली बात हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन की जहाजों के लिए तो आधिकारिक तौर पर चीन ने ये घोषणा कर दी है कि अगली बार हमारी नेवी आप पर हमला करेगी। तो वहीं अब जमा हो रहे हैं ये सारे देश, जिसके बाद चीन ने भी ऐलान कर दिया है, और चीन ने ये ऐलान किया है कि हम भी अपनी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास के लिए उतर रहे हैं। अब एक ही जगह पे ये सारे देश पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कभी भी लड़ाई जंग का माहौल हो सकता है, जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो क्षेत्र इन्होंने आपस में बांटा है उन क्षेत्रों में कोई सही तरीके से बटे हुए क्षेत्र नहीं है।
चीन का कहना है कि ये सारा इलाका ही हमारा है, आप यहाँ युद्धाभ्यास क्यों कर रहे हो। ऐसे में अब यहाँ पर एक भी मिसाइल, एक भी रॉकेट अगर इधर से उधर होता है तो समझ लीजिए कि युद्ध की शुरुआत यहीं पर हो जाएगी। आने वाला समय बड़ा ही क्रिटिकल होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक बड़ी चोट दिया गया चीन को। दुनिया बहुत अच्छे से समझ गई है कि ब्रह्मोस कोई जोक नहीं है, साधारण तौर पर हवा में उड़ा देने वाली कोई बात नहीं है, ब्रह्मोस अब एक महाशक्ति है। चीन और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी ये मानते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो अपनी सेना को कई बार समझा भी चुके हैं। और ये एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर युद्ध होता है और भारत युद्ध हार रहा होता है, उस बीच में ब्रह्मोस की एंट्री हो जाएगी तो पासा पलट जाएगा और भारत हारा हुआ युद्ध को फिर से जीत जाएगा। ये ताकत है ब्रह्मोस की। चीन और पाकिस्तान दोनों में ही ये एक बेहद घातक हथियार के रूप में देखा जाता है। अब चीन के लिए सरदर्द बना ब्रह्मोस को रोकने के लिए चीन के एक्सपर्ट दिन और रात लग गए। और चीन पिछले 18 महीने से इसकी तोड़ निकालने के पीछे में जी जान से लगा हुआ है। लेकिन जो परीक्षण के नतीजे आए और ब्रह्मोस का रिजल्ट आया, उससे बेचैन हो गया है चीन, क्योंकि ब्रह्मोस वो कर सकता है जो चीन के लिए सबसे बड़ा तबाही लेके आएगा। फिलीपींस से भी डील फाइनल हो चुकी है और जैसे ही पेमेंट आनी शुरू होगी वैसे ही ब्रह्मोस की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। फिलीपींस में ब्रह्मोस को लेकर बहुत ही ज्यादा माहौल बना हुआ है, वो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मोस का तोड़ निकालने के लिए चीन ने 3 अलग अलग प्रयास किए और चीन नाकाम इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन के पास इजराइल की तरह डिफेंस सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से इजराइल के पास 3 लेयर की सुरक्षा है, उस तरह की कोई सुरक्षा चीन के पास नहीं है। और चीन ऐसा कर भी नहीं पाएगा क्योंकि चीन एक सुरक्षित डिफेंस सिस्टम अपने देश को देने के लिए 20 से 30 साल लगा देगा। खास करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित तो वो कर ही नहीं पाएगा जितनी लंबी चौड़ी उसकी सीमाएं हैं। अब ब्रह्मोस अगर फायर होता है तो जितनी स्पीड है और जिस तरीके से ब्रह्मोस की टेक्निक है, चीन के किसी भी शहर को बड़े आसानी से निशाना बना लेगा। और चीन के डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें हैं उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रोक सके। ये बात तो अब एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं, चीनी कमांडर भी मानने लगे हैं। यही वजह है कि ब्रह्मोस को रोकने का उनका सारा तरीका फेल होता जा रहा है और ब्रह्मोस उनके लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं हो गया है। खास करके सेना की बौखलाहट ब्रह्मोस को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि इसकी तोड़ चीन निकाल नहीं पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना का जाना सही था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।